हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी क्रमचय और संचय। स्टार्ट किया है हमने ये चैप्टर, बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था वो है बच्चों गणना का आधारभूत सिद्धांत, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स जैसे आपके पास अलग अलग आइटम है, ठीक है, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के अगर आपके पास आइटम हैं, तो उनको एक साथ कितने प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे पता लगती है बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई एक घटना एम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना एन भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m इंटू n होता है, ये यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन हमने इसको बिल्कुल एक एक करके कैसे, मतलब छह तरीके से ये हो सकता है घटित, वो बिल्कुल डिटेल में समझाता स्टूडेंट्स, है ना। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने ये सिद्धांत सीखा है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, आपके पास दो आइटम है, भाई पैंट है और शर्ट है। अगर तीन अलग अलग आइटम्स होते तो उनको हम किस प्रकार से करते, ये देखेंगे अब, है ना। तो इसको रिवाइज कीजिए पहले, ताकि हम इसी तरह का एक और एग्जांपल लेंगे, बस उसमें दो की जगह तीन आइटम होंगे, तो वो आप अच्छे से बना पाएंगे, उसका टेबल भी बना पाएंगे, उसकी ट्री जो होती है, और उसके बाद जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो भी आप खुद ब खुद कर पाएंगे, डेफिनेशन भी दे पाएंगे आप, इनफैक्ट अगर इसको अच्छे से आपने किया है तो। तो एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल करते हैं हम, देखिए भाई यहां पे शबनम है कोई, शबनम के पास दो बस्ते बीन खाने के डिब्बे था, दो पानी की बोतलें हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, शबनम के पास इन वस्तुओं को चुनने के हल संभव है, ये बताना है स्टूडेंट्स आपने। तो देखिए इनकी हम अगर नेमिंग करें तो इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं कि भाई दो तो बस्ते हैं, बस्ते यानी बैग्स, है ना, दो बस्ते हैं, इसको बोल देते हैं B1 और B2। भाई दो बैग्स हैं, B1 B2 हो गया, फिर खाने के डिब्बे हैं, है ना, तो तीन खाने के डिब्बे या फिर टिफिन, तो इनको टिफिन को हम क्या बोल सकते हैं,
भाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं T1, T2, T3, तीन टिफिन हैं और दो पानी की बोतलें। इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं वाटर बॉटल है मतलब W1 एंड W2। तो ये इतनी सारी चीज है, B1 एक बैग हो गया, B2 दूसरा बैग हो गया, इसी तरह W1 एक पानी की बोतल, W2 दूसरे पानी की बोतल, T1 एक टिफिन, T2 दूसरा टिफिन, T3 तीसरा टिफिन। अब ये कितने तरीके से वो चुन सकती है ये आपको बताना है। जैसे पहला बैग लिया, दूसरी पानी की बोतल ली, पहली पानी की बोतल ली, दूसरा टिफिन लिया, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। या फिर पहला बैग लिया, पहला टिफिन लिया, पहली पानी की बोतल ली, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। पहला बैग दूसरा टिफिन प्लस दूसरी पानी की बोतल, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। इस तरह से कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, बस फर्क इतना है कि वहां पे हमारे पास दो अलग अलग चीजें थी, यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें हैं। तो कोशिश कीजिए और इसके सारे कॉम्बिनेशन बना के देखिए और फिर मुझे बताइए कि कितने प्रकार से ये हो सकता है, कितने प्रकार से इन वस्तुओं को वो चुन सकती है, कितने हल संभव हैं बेसिकली। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर शेयर करेंगे स्टूडेंट्स आप चैट के माध्यम से। अब देखिए स्टूडेंट्स ये चीजें हो गई, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया है आपने वो चेक करते हैं। तो भाई यहां पे है शबनम, शबनम है। अब शबनम ने क्या किया, इसके पास दो बैग्स हैं। कितने बैग्स हैं, दो बैग हैं भाई। एक बैग का नाम तो B1 है और दूसरा बैग का नाम B2 है। भाई दो बैग लिए, दो बैग हैं, या तो कभी ये B1 ले जा सकती है, कभी B2 ले जा सकती है अपने स्कूल में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई इसके पास तीन टिफिन है, तो भाई तीनों टिफिन को बारी बारी ये क्या कर सकती है, भाई पहला टिफिन यहाँ पे रख सकती है, दूसरा टिफिन और फिर तीसरा टिफिन। भाई पहले बैग में क्या है, तीनों में से कोई भी टिफिन रख सकती है, उसकी चॉइस है। उसके बाद जब पहला बैग होगा और पहला टिफिन होगा, उसके साथ वो पानी की बोतल कौन सी लेके जाएगी, या तो पानी की बोतल पहले वाली या पानी की बोतल दूसरे वाली। सिमिलरली अगर बैग पहला ही है लेकिन टिफिन दूसरा है, उसके साथ भी पानी की बोतल कौन सी लेके जा सकती है, वो पहले वाली या फिर दूसरे वाली वाटर बोतल लेके। सिमिलरली भाई तीसरा टिफिन है, वहां भी तो सेम सिनेरियो हो सकता है, पहले पानी की बोतल और दूसरी पानी की बोतल वो लेके जा सकती है। क्लियर है। अब जैसे ये बना है भाई, इसी तरह से यहां भी हो सकता है, तो थोड़ा सा और हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। B2 है, यहाँ पे भी तीन टिफिन है, ठीक है, तो दूसरे बैग के साथ भी T1, T2, T3 और हरेक टिफिन के साथ पानी की बोतल एक, पानी की बोतल दो, पानी की बोतल एक, पानी की बोतल दो, पानी की बोतल एक एंड पानी की बोतल दो। इसमें भी एक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दूसरे बैग के साथ। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए ये हम जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला बैग यानी B1, पहला टिफिन यानी T1 और पहली पानी की बोतल यानी
डब्ल्यू वन, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कि बी वन टी वन और डब्ल्यू वन लेके जाएगी, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया भाई बी वन टी वन लेकिन डब्ल्यू टू होगा, इसी तरह से बी वन टी टू डब्ल्यू वन एंड बी वन टी टू डब्ल्यू टू, है ना, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर बी वन टी थ्री डब्ल्यू वन, बी वन टी थ्री डब्ल्यू टू, कितने कॉम्बिनेशन बन गए, काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छह, तो जो पहला बैग है उससे टोटल कॉम्बिनेशन बने हमारे छह, छह अलग अलग प्रकार से ये सारी चीजें पहले बैग के साथ कैरी हो सकती हैं। तो भाई दूसरे बैग के साथ भी तो सेम सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ भी टोटल छह केसेस बनेंगे, मतलब टोटल कितने तरह से इसका हल निकाला जा सकता है या टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, छह प्लस छह बारह, बारह अलग अलग तरीके से वो अपने ये सामान लेके जा सकती है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इस तरह से हम टेबल बनाया है और हमने इसको लिखा है, नोट डाउन किया है। तो बच्चों ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अब इसके बाद हम क्रमचय करेंगे, ठीक है, तो इसी के आधार पे हम क्रमचय को सीखेंगे, उसको करेंगे, बेसिकली वहां पे फॉर्मूला आ जाता है आपका और कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है, ये आपको बेसिक चीज सिखाने के लिए है, कि समझाने के लिए कि भाई ये आया कैसे, कहां से आया, अचानक से फॉर्मूला देख के आप एकदम से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए ये चीज बताई गई है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया सबने, कोई अगर डाउट है पूछ लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, अब सेम चीज हम डेफिनेशन की मदद से समझेंगे कि भाई यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घट सकती है, जैसे m भिन्न तरीके क्या हो गए, यहाँ पे हम उस एग्जांपल को यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो m भिन्न तरीके क्या हो गए, m भिन्न तरीके हो गए कि भाई दो बैग्स हैं, है ना, तो जो उसके पास बैग्स हैं, है ना, बैग्स हैं कितने दो, तो ये हो गए m भिन्न तरीके। तो यदि ये घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, इसके उपरांत एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दूसरी घटना है ये क्या मान लेते हैं हम, इसको टिफिन मान लेते हैं, है ना, कि उसके पास टिफिन भी थे, ये n भिन्न तरीके मतलब तीन तरह के टिफिन है, तो ये n भिन्न तरीकों से घटित हो सकते हैं। तदोपरांत एक तीसरी घटना P भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, इसके बाद एक तीसरी घटना भी है P भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, वो क्या है, वाटर बॉटल यानी पानी की बोतलें जो थी, ठीक है, W1 W2 ये भी दो थी, तो P भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की कुल संख्या दिए हुए क्रम में क्या होगी, एम गुना एन गुना पी होगी। That means, अगर हम यहाँ पे m into n into p करते हैं तो क्या हमारा सेम आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा, चेक करते हैं भाई, m है दो, n है तीन एंड p है दो, कैलकुलेट करेंगे, दो गुना तीन हो गया छह इंटू दो और ये हो गया 12। देखिए आंसर वही आया है, 12 भिन्न तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, इसका हल ये होगा। तो हमने जो
यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था, देखिए इनको अरेंज करके एक एक करके कितना समय लग गया था, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आया था। और इसको हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन की मदद से सिर्फ 30 सेकंड में, 15-20-30 सेकंड में इजीली हो जाता है ये। तो इसीलिए नोट डाउन कीजिए, अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब डेफिनेशन आपको आ गई है तो आगे हम इसको इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला गया है भाई, शब्द रोज है, रोज के अक्षरों से बनने वाले चार अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो देखिए, एक चीज तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है, पुनरावृत्ति मतलब रेपिटेशन है ना, रेपिटेशन मतलब कोई एक शब्द बार बार नहीं आना चाहिए। भाई रोज कितने लेटर का वर्ड है, रोज है चार लेटर का वर्ड है ना, आर ओ एस ई। अब अर्थहीन या अर्थपूर्ण, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थपूर्ण या अर्थहीन, रोज रोज अर्थपूर्ण शब्द है, इसका मतलब होता है गुलाब। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं आर ई ओ एस, ये कोई शब्द नहीं होता, अर्थहीन है ये। लेकिन ये भी हम काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, कितनी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, ई आर ओ एस, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ये हमें बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका लगाएंगे हम। या तो आप क्या करेंगे भाई, आर पहले स्थान पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, आर को पहले स्थान पे फिक्स कर दिया, एक बार हमने कर दिया ओ एस ई, है ना, आर फिक्स कर रखा है, एक बार कर दिया ओ ई एस, है ना, एक बार कर दिया ई ओ एस, एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद आर वाले जब सारे शब्द खत्म हो जाएंगे तो दूसरा कोई वर्ड हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे, मान लीजिए ओ, और उसके बाद बाकियों को हम सफल करेंगे, फिर तीसरा शब्द, इस तरह से आपके सामने टोटल नंबर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, हमें चाहिए चार लेटर वर्ड, है ना, जिसमें क्या क्या आना चाहिए, आर ओ एस ई, ये चार चीजें आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, आर ओ एस और ई, चार लेटर हैं, चारों में से किसी को भी फिक्स कर दीजिए आप सबसे पहले, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे आर को फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या बच गया, ओ एस ई, यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे भाई, आर तो हर एक पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ पे आ गया, तभी हमारे पास चार ऑप्शन आए हैं, यहाँ पे तीन है, ठीक है, क्योंकि आर को हमने फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे ओ को फिक्स कर दिया, फिर कितने बचे, एस ई, यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, मान लीजिए यहाँ पे एस को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन बचा। अब जो ये आए हैं, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, कितना आ जाएगा, चार तीन बारह दूनी चौबीस, चौबीस भिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से हम इसको रोज को अरेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे भाई तीन बैग थे, दो बैग थे, तीन टिफिन थे, दो वाटर बॉटल थी, तो उनको भी हमने क्या किया था, एम इंटू एम एन इंटू पी, यहाँ पे उसी तरह किया है कि भाई यहाँ पे हमारे पास चार लेटर्स हैं जबकि यहाँ पे तीन लेटर्स हैं, यहाँ पे दो हैं, तो इन सबको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक है, तो 24 अलग अलग तरीके से। इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए आप।
तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि भाई अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी है, इसीलिए अगर आर एक जगह आ गया एक वर्ड में, तो सेम वर्ड में आर दूसरी जगह नहीं आ सकता ना भाई। एक वर्ड में हमने आर मान लीजिए यहाँ लगा दिया है, तो ओ एस ई इन्हीं तीनों वर्ड्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आर दोबारा से यहाँ आ गया। अगर आर दो बार ही आ गया तो ये तो रिपीटेशन हो गया, पुनरावृत्ति हो गई। इसीलिए हमारे पास पहले बॉक्स में या पहले स्थान पे चार ऑप्शंस हैं, दूसरे पे तीन, तीसरे पे दो और चौथे पे एक। लेकिन अगर रिपीटेशन होता है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति होती, तो कितनी पॉसिबिलिटी होती ये चेक करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर पुनरावृत्ति की अनुमति होती तो हमारे पास थे चार बॉक्स है ना, चार स्थान थे, तो चार स्थान थे, आर यहाँ पे भी आ सकता है, एक ही वर्ड में आर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। इसी तरह से ओ एस ई सब जगह आ सकता है ना, सारे वर्ड हर जगह आ सकते हैं, सारे वर्ड हर जगह आ सकते हैं। तो यहाँ भी चार ऑप्शन है, यहाँ भी चार ऑप्शन है, यहाँ भी चार ऑप्शन है और यहाँ भी चार ऑप्शन है हमारे पास। तो ये चार इंटू चार इंटू चार इंटू चार कितना हो जाएगा, 256। तो इस केस में, रिपीटेशन के केस में आपका आंसर आएगा 256। इसको भी नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए पहले आप। यहां पे क्या दिया गया है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए चार झंडों में से, चार झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये स्टूडेंट्स वहां पे क्या है, वर्ड्स दिए गए थे आपको, लेटर्स दिए गए थे और उससे वर्ड बनाने थे, और यहाँ पे आपको झंडे दिए गए हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ट्राई कीजिए इसको एक बार सॉल्व करने की। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लीजिए चार झंडे तो हैं ही, लेकिन चार झंडे क्या हो गए आपके पास, एक दो तीन और चार, है ना, ये चार झंडे हो गए। अब इसको एक इजी तरीका तो ये है कि अलग अलग कलर से ही बना देता हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक हो गया ब्लू कलर का, दूसरा हो गया रेड कलर का, तीसरा हो गया ग्रीन कलर का एंड फोर्थ हो गया ब्लैक कलर का। तो चार झंडे हैं, नीला, लाल, हरा और काला। अब इनको मिला के हमें बनाने हैं अलग अलग प्रकार के झंडे। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी कोई कलर नहीं ले रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि इस तरह से बना सकते हैं हम ये अरेंजमेंट की। क्या बोला गया है, एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है, कि भाई ऊपर एक झंडा आ गया, नीचे दो दूसरा आ गया, तो एक टाइम पे चार में से सिर्फ दो ही झंडे इस्तेमाल होंगे। तो कितने अलग अलग संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं ये हमें देखना है। जैसे यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे नीला भी आ सकता है, लाल, हरा और काला आ सकता है, क्लियर है, लाल, हरा, काला ये सब आ सकते हैं। तो नीचे क्या आएगा भाई, यहाँ पे कितने ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन है, नीचे कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन बच जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको जस्ट एक हिंट दी है, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको पता लगे कितना आपने आज क्लास में समझा है और कितना आपको रिटेन कर पाए हैं आप।
इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।